प्यारे बच्चों, मैं सुफलेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ेंगे आज हम लोग। प्रतिशत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रतिशत का आपको यूज करना पड़ेगा लाभ हानि में। एक लेसन ये होगा, प्रतिशत अपने आप में खुद ही एक लेसन है। प्रतिशत का ही प्रयोग होगा बट्टा डिस्काउंट में, ठीक है? डिस्काउंट आप पढ़ोगे तो उसमें होगा प्रतिशत। प्रतिशत का ही प्रयोग होता है क्षेत्रफल में, ठीक है? इतना घटा इतना बढ़ा। प्रतिशत का ही प्रयोग होगा आपके जो चार्ट आते हैं, चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह वगैरह, ठीक है? दंड चार्ट, पाई चार्ट वगैरह, ठीक है? ये आपके चार पांच लेसनों में आपके लग जाएगा, ठीक है? सरलीकरण में लगता है, सरलीकरण में जो है प्रतिशत लगता है। तो कई लेसनों का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिशत। बिना प्रतिशत के आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो प्रतिशत पढ़ना बहुत 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 अनिवार्य है, ठीक है? देखिए प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत, ठीक है? प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत, ठीक है? प्रतिशत यानी कि परसेंट, परसेंट, ठीक है? देखिए इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये होता है परसेंट का चिन्ह होता है। प्रतिशत यानी कि प्रति शत का मतलब हो गया 100, प्रति 100 में, ठीक है? यानी कि इसमें किसी भी चीज की गणना की जाती है वो 100 में की जाती है। शत का मतलब हो गया 100 में, यानी कि कोई भी गणना हम लोग करेंगे तो वो 100 में करेंगे, ठीक है? 100 में। जैसे कि आपके नंबर आ जाते हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं, बोर्ड में आपके नंबर आते हैं 70%। 70% नंबर आते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके कितना नंबर आया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में औसतन, औसतन जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 70, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सबको अगर जोड़ के, ठीक है, औसत निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70 ही आ जाएगा। तो ये मतलब होता है प्रतिशत का, ठीक है? ये मतलब होता है प्रतिशत का, मतलब हो गया प्रति 100 में। जैसे आपने 600 का जो है आपका पेपर था, ठीक है? 600 का आपका पेपर था, आपने कितना कमा लिए, 300 नंबर आपने कमा लिए। तो 300 नंबर मिला तो कितना मिला, 300 मिला का मतलब आधा नंबर मिल गया। तो आधा अगर देखा जाए तो प्रतिशत के रूप में निकाला जाएगा, तो कितना नंबर मिला, 50% नंबर मिला, ठीक है? यानी कि आधा नंबर मिला। तो ये है कि जो प्रतिशत होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रतिशत होता है यही आपका भिन्न होता है, ठीक है? प्रतिशत भिन्न एक ही चीज होता है। क्या आपको भिन्न मालूम है? यदि मालूम है तो प्रतिशत भी मालूम है। अगर भिन्न कहा जाए तो दशमलव भी वही चीज होती है, दशमलव भी वही चीज होती है। अगर दशमलव जानते हो तो प्रतिशत जानते हो। फिर अगर कहा जाए मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न में क्या होती है, यही होती है, यही अनुपात होता है, अनुपात भी यही होता है, ठीक है, औसत भी यही होता है, ठीक है? यानी कि सब कुछ यही हो जाता है, बिल्कुल यही हो जाता है। अगर आप प्रतिशत को समझोगे तो इतने चैप्टरों के या इससे और ज्यादा, क्षेत्रफल में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथ में ये नहीं होता कि आप एक सूत्र रट लीजिए सवाल कराइए, नहीं, मैथ में होता है आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? सभी लेसनों का जब आपको ज्ञान हो जाएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप एक दो लेसनों को समझते हो तो नहीं कर पाओगे। अगर आपको केवल जो है भिन्न समझाई जाए, प्रतिशत ना समझाई जाए, दशमलव ना समझाई जाए, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। मैथ ऐसी चीज है, पूरा समझना पड़ेगा। तब देखिए प्रतिशत क्या होता है, जैसे लिखा है 2%, तो 2% का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत जब हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, यानी कि ये हो गया प्रतिशत जब हटाते हैं तो, यानी कि 100 हो गया। 2%, 2% का मतलब हो गया 100 में से 2 नंबर, ठीक है, या 100 में से 2 नंबर, ठीक है, ये मतलब हो गया। अगर लिखा है 10%, 10% का मतलब हो गया 100 में से 10, ठीक है, 100 में से 10 चीजें, ठीक है, ये मतलब होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत अगर लगा होगा उसको हटाने के लिए बटे में 100 लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका हट जाएगा। अब फिर अगर आपको प्रतिशत से जैसे यह है 3/4, ठीक है, तो प्रतिशत जब लगाएंगे या हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। अब देखिए ये तो आपका प्रतिशत फॉर्म में हो गया, कितना मान लीजिए ये हो गया 10%, नहीं 150% या 15% या 20% मान लो,
ठीक है, ये हो गया आपका 20% हो गया, ठीक है, हो गया, बिल्कुल हो गया, या 150% हो गया, 150% हो गया, ठीक है। 150% का मतलब क्या है, प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100 लगा दोगे, 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 2 10 हो गया, यानी कि 3/2 आ गया, यही तो आ गया। अब ये क्या बदल गया, ये आपका भिन्न हो गया, यानी कि इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, 3/2 भी लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखा जा सकता है, 3/2 भी लिखा जा सकता है, अच्छी बात है। अब 3/2 लिखा जा सकता है, तब इसी को दशमलव में कैसे बदलोगे, 3 और 2 से भाग दिया, 3 2 जो है 3 2 1 9 2 हो गया, 1 आ गया 5, और ये हो गया 10, यानी कि 2 5 10, यानी कि ये 1.5 आ गया, ठीक है, तो 1.5% में बदल गया, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है। इसको भी अगर बदलोगे, प्रतिशत लगा नीचे 100 लगा दोगे, अब देखिए नीचे से दशमलव लगाइए, 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 150, अब पीछे से गिन लो 1 और 2, 2 के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो वही चीज़ तो लिखिए, अब दशमलव के बाद चाहे 0 चाहे जितना लगा लीजिए या मिटार दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, दशमलव के बाद 0 लगाइए या हटाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये चीज़ हो जाती है। मिश्रित मिश्रित भिन्न क्या होती है, अब देखिए इसको अगर हम भाग करेंगे 2 से 3 से, 2 1 9 2 और 1 आ गया, तब देखिए आंसर को यहाँ पे लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो नीचे लिखा है वो नीचे लिखा रहेगा और जो शेष बचता है वो ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि 1 और आधा, 1 और आधा यानी कि 1.5 हो गया, ठीक है, यही 1.5 आपका ऐसे हो गया, ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है, यानी कि यही 1.5 लिखा, ये भी 1.5 लिखा, ये भी 1.5 लिखा, सब 1.5 ही तो है, यानी कि प्रतिशत भी वही चीज़ है, भिन्न भी वही चीज़ है, दशमलव भी वही चीज़ है, यदि आपको भिन्न आता है तो दशमलव आएगा, अगर दशमलव आता है तो प्रतिशत आएगा, प्रतिशत आता है तो भिन्न आएगा, अनुपात और औसत भी वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है, जब हम अनुपात और औसत वाला लेसन पढ़ेंगे तब इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी इतना जानिए, ठीक है, तो क्या हमने जाना कि प्रतिशत, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, 3/2 है, अनुपात ही तो लिखा हुआ है, क्या है, 3/2 लिखा, अनुपात है, यानी कि 3:2 हो गया, 3/2 बटे में कोई चीज लिखी होती है अनुपात में है। अब देखिए जैसे ये है, इसको ये फॉर्म में कैसे बदला जाए, जैसे ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत अगर लिखना है तो 100 से गुणा कर दिया, 2 50 आ जाएगा, 50 150, यानी कि 150 आप प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि 100 से गुणा किया था, प्रतिशत में बदल गया, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दिया जाएगा, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो ये जो प्रतिशत हटा है लगा के नीचे 100 लग जाएगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिशत, ठीक है। जैसे आपको ज्ञात करना है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि जो है 20 जो है कितना, 1000 का, 1000 का 20% ज्ञात करना है, 1000 का 20% ज्ञात करना, तो प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत को हटाइए बटे में 100 लगाइए, यानी कि 20 1 9 20 5 100, यानी कि पांचवा भाग ज्ञात करना है, 5 में से 1 भाग ज्ञात करना है, इसको 5 भाग में काटिए, डिवाइड कर दीजिए, उसमें से 1 भाग आपको मालूम करना है, तो 5 से काट देंगे, 5 2 10 200 200 हो जाएगा, यानी कि 1000 को जब बराबर 5 भागों में डिवाइड करोगे, 1000 को, ठीक है, 1000 को 5 भागों में जब डिवाइड करोगे तो 1 भाग उसने पूछा, यानी कि 1 भाग कितना, 200 हो जाएगा, 200 200 200 200, 1000 हो गया, ठीक है, समझ में आना आया होगा, क्या भिन्न होती है, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदल, जैसे कहा है 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब ये 100 हो गया, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 ज्ञात करना है, यानी कि पूरी वस्तु का 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसमें से 1 पार्ट बताओ कितना है, ठीक है, 25 हो गया। अगर मान लो 50% है, प्रतिशत हटाओ बटे 100 लगा दो, यानी कि 50 2 9 100, यानी कि पूरी वस्तु को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 पार्ट बता दो, तो 50% का मतलब क्या, आधा, आधा ही तो लिखा हुआ, आधा यानी कि 2 में से 1 यानी कि आधा, ठीक है। अगर आपको 75% कहा जाए तो प्रतिशत हटाओगे बटे 100 लगा दो, ठीक है, 25 75 25 चौका 100, यानी कि 3/4, यानी कि पूरी वस्तु को 4 भाग में बांटो, 1 भाग में बटा दो, ठीक है। अगर 100% कह दिया जाए, 100% का मतलब हो जाता है प्रतिशत हटाओ बटे 100 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। देखिए यहीं से अब कहानी कठिन होने लगेगी, पकड़िएगा, नहीं तो अभी कठिन हो जाएगा, ठीक है,
पकड़िएगा बड़े बड़े बच्चों को, जो अभी बताने वाले हैं वो बहुत ही जो स्पेशल अपने आप को समझते हैं उनको भी नहीं आता ये चीज, ठीक है, जो बताने जा रहे हैं। देखिए ये एक आ गया, अभी तक क्या हो रहा था, चार में से एक भाग, दो में से एक भाग, चार में से तीन भाग, और ये आ गया एक पूरा पूरा भाग। अब अगर कहा जाए आपसे कि 200 को बदलिए, 200% को बदलिए, तो कितना आ जाएगा, 2200। ये दो आ गया, दो का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक का दुगना हो रहा है। 200% का मतलब क्या, दुगना। 300% का मतलब क्या, तीन गुना, ठीक है, यही तो हो रहा है। 200% का मतलब दो गुना, ठीक है, 200% का मतलब क्या हो रहा है, दो गुना हो रहा है, ठीक है। अगर 300% होता, परसेंटेज हटाइए 100 लगा दीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया, तीन गुना हो रहा है। यही आपसे पूछा जाएगा कि इस आयत की भुजा को दुगना कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब गुना कहेगा प्रतिशत में बदलना पड़ेगा, तो आप 200% का मतलब दो गुना, 300% का मतलब तीन गुना हो जाएगा, ठीक है। ये बात जो है कान खोल के सुन लीजिए, ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो कि बड़े बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या एक्स का 20% का मतलब क्या हो गया, एक्स का, ठीक है, या किसी भी संख्या का, जैसे 1000 का मान लीजिए, या 2000 का, या 500 रुपये का, 500 का 20%, तब 500 का 20%, 500 का 20% अधिक कह दे, तब क्या करेंगे। अब 500 का 20% कम कह दिया जाए तब क्या करेंगे, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। 500 का 20% क्या मतलब हो गया, मतलब हो गया 500 का मतलब गुणा हो जाता है, 20% का मतलब 20/100, तो इसे आप हल कर लोगे, 5 ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए 500 का 20% अधिक है, ठीक है, कोई संख्या, ठीक है, 20% अधिक है, ठीक है, ये कहा जाए, तो जब भी आपको 20% अधिक कहा जाए, तो 20% अधिक का मतलब हो गया 500, और ये 20% अधिक कहा जाए, अधिक का मतलब हो गया कि ये 20% अधिक है, यानी कि 100 में 120% हो गया, यानी कि 120% तब ज्ञात करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे 100 ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर ये कहा जाए, ठीक है, कि 500 का 20% कम है, तो यानी कि 500 का 20%, 100 में 20 कम कर दो तो 80 बचेगा, यानी कि 80% ही ज्ञात करना हो गया, ठीक है। तो कम या अधिक पर आप जो है फोकस करिएगा, और थोड़ा सा समझा रहे हैं, जैसे कह रहा है 500 का 20% अधिक, ठीक है, अधिक, तो जब अधिक कह रहा है का मतलब क्या हो गया, यानी कि 500 का 20% निकाल लीजिए, कितना आ गया, 500 का 20% आ गया 100 आ गया, ठीक है, ये आ गया, लेकिन कह रहा 20% अधिक है, अधिक का मतलब ये इसी में जुड़ जाएगा, यानी कि जुड़ेगा तो 600 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या 600 हो जाएगी। अगर ये कहा जाए कि 500 का 20% अधिक, तो हमने अभी बताया था 100 में जोड़कर भी निकाल सकते हैं, यानी कि 120% निकाल सकते हैं, 0 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 12 5 60, तो 600, वही चीज़ तो आ गई जो 600 पहले आ रही थी, यानी कि प्रतिशत क्या, जब भी अधिक कहेगा या तो आप डायरेक्ट 100 में जोड़ के निकाल दीजिए, या तो आप पहले 20% निकालिए और फिर अधिक कह रहा तो फिर से इसमें जोड़ के निकालिए, ये आपकी मर्जी है, दोनों एक ही चीज़ है, समझिएगा क्या कह रहा है, 500 का 20% अधिक, ठीक है, अधिक कहने का मतलब है या तो आप 20% निकाल लीजिए फिर इसमें जोड़िए क्योंकि अधिक कह रहा है, या तो आप पहले ही 100 में जोड़ लीजिए, 120% निकाल दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चनों से आपको जो है नॉलेज होगा, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ठीक है, 1000 का 25% का 1% का 1%, ठीक है, क्या होगा, ये चीज कह रहा है। तो 1000 तो 1000 रखे रहो, का मतलब हो गया गुणा, 25 का मतलब हो गया 25, और प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100 लगा देंगे। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, और ये वीडियो केवल और केवल आपके बेसिक नॉलेज के लिए, यानी कि सिखाने के लिए है, ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं, सिखा कर ही जाएंगे, ठीक है।
आपको अभी अगर आ रहा हो, अगर अभी क्या है कि इससे भी जो है कठिन कठिन आएंगे सवाल, ठीक है, और बहुत कठिन कठिन आएंगे। जब आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा तब आप हमारा मेन वाला देखिएगा, ठीक है, जो मेन स्टैंडर्ड वीडियो है, ठीक है, उसकी मैथ देखिएगा, वो आपको सीजीएल तक का ले जाएगा। अगर आपको हाई स्कूल तक का पढ़ना है तो ये वीडियो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर की परीक्षाएं देनी है ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल लेवल तक का, तब आप स्टैंडर्ड वाला देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको सीखेंगे तब आप स्टैंडर्ड वाला देखेंगे, ठीक है। अब का मतलब क्या हो गया, फिर गुणा हो गया, एक का मतलब एक हो गया, प्रतिशत का मतलब 100 हो गया, का मतलब फिर गुणा लगा देंगे, एक का मतलब एक और प्रतिशत का मतलब 100 हो गया। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, जीरो जीरो कट गया, एक जीरो और कट गया। अब 25 चौका 100 काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि हमको आंसर दशमलव में बताना है, ठीक है। तो क्या बताना है, 25 ऊपर रहेगा, नीचे में कितना, 2 0 1 0, यानी कि 3 0 हो जाएगा। अब 3 0 हो जाएगा, हमें बताना है किसमें, दशमलव में। अगर हम भिन्न में बताना चाहें तो बता लें, कितना भिन्न में आ जाएगा, 25 51 25 और 25 चौका 100, यानी कि ऊपर 1 नीचे 4 और ये 0, यानी कि 1/40 आ जाएगा। लेकिन हमें भिन्न में नहीं बताना है, हमें बताना है उसमें पॉइंट में बताना है। तो कैसे लगाएंगे, तब देखिए 25 लिख दीजिए, अब 1 2 3, 1 2 और 3 के बाद दशमलव लगा दीजिए, बस हो गया, 1 2 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, आपका प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 640 का, 640 का 150%, 150% प्लस 40 बराबर एक्स का 100%, 100 नहीं 120%, एक्स का 120%, ठीक है, प्लस 160। ये क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, हो जाएगा। देखिए एक इतना लिखा है इतना लिख दीजिए, का मतलब गुणा कर दीजिए, 150 लिखा है 150 लिख दीजिए, प्रतिशत लगा है बटे में 100 लिख दीजिए, लिख दिया, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, 40 लिखा है 40 लिख दीजिए, बराबर लिखा बराबर, एक्स लिखा एक्स, का मतलब तो गुणा हो जाता है, 120 है 120 लिख दीजिए, प्रतिशत लगा है बटे में 100 हो जाएगा, और प्लस का 160 हो जाएगा, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगा, 6 15 छक्का 90, 6 96 हो गया, हो गया, प्लस का 40 हो गया, बराबर का 0 0 काट देंगे तो 12x/10 हो जाएगा, प्लस का 160 हो जाएगा, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या है, इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा क्योंकि दोनों अंक ही है, जोड़ जाएगा तो कितना हो गया, 1000 हो गया, लेकिन ये इधर माइनस है, अब ये इसमें तो जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें एक्स लिखा है, ये गिनती है, गिनती गिनती में जुड़ेगी आके, तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 16 इतना हो जाएगा, बराबर 12x/100। अब इसमें इतने से जाएगा तो कितना आएगा, 840 आ गया, बराबर में 12x हो गया, बटे में 10 हो गया। अब ये बराबर लगा है, बराबर की ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी कि 840 × 10 बटे में 12 हो गया, बराबर का 1 आ गया, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 7 आ गया, 7 ये लिख दिया और ये 0 बचा है तो 0 हो जाएगा, 1 0 ये, तो ये जब गुणा करेंगे तो इतना 700 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा जैसा वो कहता जा रहा था वैसा वैसा हम लोग करते जा रहे थे, ठीक है, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरी बार तीसरी बार वीडियो पलट पलट के देखेंगे तभी आएगा, 2 बार 3 बार वीडियो पलट के देखिए, बहुत ज्ञान मिलेगा, एक ही बार में समझ में नहीं आता, आपको लग रहा समझ में आ गया लेकिन अभी नहीं, जब तक आप क्या करिए, अगर आपको आ रहा है वीडियो रोक दीजिए, आप खुद लगाइए, ठीक है, देखिए कहाँ फंस जाते हैं, फिर वीडियो चलाइए, फिर देखिए, फिर वीडियो चलाइए, फिर देखिए, जब तक आपको पूरा आ नहीं जाए तब तक आप लगाते रहिए। अगला ये कह रहा है 1.25, 1.25 रुपये 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है, 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है ना, 1.10 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो 10 रुपया का मतलब गुणा कितना प्रतिशत है, मान लिया जड़, और प्रतिशत है का मतलब है यही है 1.25, ये हो गया।
ये हमने लैंग्वेज से ये चीज बना दिया है, ठीक है। अब क्या हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या ये चीज नीचे जाएगी, ठीक है। ये प्रतिशत क्या है, प्रतिशत हटेगा बटे 100, ये चीज नीचे जाएगी तो 1.25 बटे, ये चीज नीचे जाएगी ये, और ये चीज हमेशा ऊपर जाएगी, यानी कि 100 हो गया, ये आ गया आपका जड़ आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा भी क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, इतना रुपया, ठीक है, 1.2 रुपया 10 रुपए का, ठीक है, इतना रुपया हो गया, और नीचे रहेगा बड़ा वाला रुपया, ऊपर रहता है छोटा वाला रुपया, नीचे रहता है बड़ा वाला, हरदम संख्या नीचे बड़ी ही रहेगी, हरदम नीचे संख्या बड़ी रहेगी, इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, चाहे आप ऐसे समझिए ऊपर छोटा नीचे बड़ा इंटू में 100, या आप ऐसे लैंग्वेज से भी आप बनाना सीखे, क्योंकि जब लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे तब आपको दिक्कत होगी, इसीलिए लैंग्वेज का बनाना बता रहे हैं। अब क्या है, काट दीजिए इसको, इसको काट देंगे, 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1, 2, 5 और 0 आ जाएगा, 1 0 भाई हो जाएगा। अब देख रहे हैं दो संख्याओं पर दशमलव लगा, तो 1 और 2, दो संख्या पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि कितना है, 12.5% है, 12.5% है, ठीक है ना, आ गया, दो संख्या पर दशमलव है, दो संख्या पर दशमलव लगा दिया, आ गया ना, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में बताइए, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटा के प्रतिशत के रूप में बताना है, तो वही छोटी वाली संख्या ऊपर 1 मिनट 48 सेकंड, और नीचे क्या है, 1 घंटा है, इंटू 100 हो गया, ठीक है, ये हो गया। ऊपर छोटी संख्या नीचे मिनट, छोटा होता है ये बड़ा। अब देखिए ये मिनट, ये सेकंड, ये घंटा, सब जो है ऐसे वैसे दे रखा है, तब क्या करेंगे, तब आप एक ही चीज में बदलिए, क्या सबको सेकंड में बदल लीजिए, कैसे बदलेंगे, देखिए ये देखिए एक लेसन आपको बदलने वाला ही केवल बताएंगे। ये जैसे मिनट है, 1 मिनट = 60 सेकंड के होता है, ठीक है, तो ये दे रखा है 1 मिनट + 48 सेकंड, तो 1 मिनट की जगह कितना रख सकते हो, 60 सेकंड, प्लस 48 सेकंड, तो ये हो गया 108 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 108 सेकंड, वही यहाँ पे रख दो, क्या 108 सेकंड, नीचे कितना रहेगा, घंटा है, घंटे में, ठीक है, 1 घंटा है, घंटे में 60 से गुणा करोगे तो बदल जाएगा मिनट में, पहले तो मिनट में बदलेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी कि पहले मिनट में बदलेगा, अब मिनट को सेकंड में बदलना है, यानी कि 1 और 60 से गुणा कर दो, तो 1 और 60 से गुणा हो जाएगा सेकंड, अब सेकंड सेकंड कट गया, सेकंड सेकंड गया कट, अब काटो आराम से, कैसे, ये 100 हो गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, अब 6 51 6 4 6 8 48, 6 3 18, यानी कि 3% आपका आ गया, ठीक है, 3% आपका आ गया, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है 72 ग्राम 3.5 किलो का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत है, ये कह रहा है, तो ग्राम छोटा होता किलो बड़ा होता, ग्राम को ऊपर लिखो, 72 ग्राम ऊपर रहेगा और नीचे बड़ी वाली संख्या यानी कि 36 किलोग्राम, ठीक है, अब इंटू में 100 हो जाएगा। अब क्या हम जानते हैं कि किलो में, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, तो किलो को हटा के 1000 ग्राम रख देंगे। अब करते हैं क्या करते हैं, ये दशमलव हटा और इधर बढ़ा देंगे 0, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बनाएंगे, 3 0 3 0 कट गया, 36 × 72 कितना आ गया, 2% आपका आंसर आ गया, ठीक है, 2% आपका आंसर आ गया। अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करता करे किया करिए, कमेंट से बहुत ही क्या होता है, उत्साहवर्धन होता, मालूम होता कि हाँ आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अगला है x का 35% 735 है, तो x का 80% क्या होगा, ठीक है, x का 35% 735 है, तो x का 80% क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तब क्या करेंगे, x का 35% 735 है,
तो एक्स की जगह पर एक्स का की जगह पे गुणा 35/100 हो जाएगा, बराबर में 735 हो जाएगा। ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो एक्स बराबर 735 × 100 और बटे में 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे जब काटेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे संख्या मिल जाएगी, ये संख्या आपको मिल जाएगी। तो अगर संख्या पूछा हो तो संख्या निकाल लीजिए, वरना वही संख्या यहाँ पे रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, x का मान यही उठा के रख दीजिए, अगर काटना हो तो काट लीजिए, 35 × 70, 35 × 35, यानी कि 2100 वो संख्या आ गई। अगर संख्या पूछी जाती तो 2100 हो जाती, ठीक है, संख्या पूछी जाती 2100 हो जाती, लेकिन ये पूछ नहीं रहा तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम x का पूरा मान यहाँ पे रखते हैं, क्या 735 × 100 बटे में 35 इंटू में 80 और प्रतिशत को हटा के बटे में 100, जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है, 35 × 51, 35 × 70, 35 × 51 हो गया। अब इसका इसका गुणा कर ले, 8 × 51 8, 8 × 2 = 16, यानी कि 1680 आपका आंसर हो जाएगा, 1680 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा है ए का 90%, ए का 90% बराबर है बी के 30% के, ये कह रहा है, ठीक है, 30% के, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर, बी बराबर ए का कितना प्रतिशत, ये पूछा है, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी बराबर है कितने प्रतिशत के पूछा है। तो देखिए ए का मतलब तो गुणा हो जाता है, मतलब 90, अब प्रतिशत का मतलब बटे 100 हो जाएगा, बराबर बी गुणा अब 30/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तब देखिए क्या करेंगे, ये 100 ऊपर जाएगा, ये 90 नीचे जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, बी ऊपर था ना तो यहाँ गया नीचे हो गया, बी ए बटे बी आ गया, समझ में आया कुछ, ए ऊपर था बी नीचे जाएगा, बी यहाँ ऊपर है ना नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 30/100 तो लिखा हुआ है, 30/100 लिखा हुआ है, अब 100 ऊपर गया तो यहाँ पे चला गया, 90 नीचे गया तो यहाँ पे चला गया, इतनी बात समझ में आई होगी। अब 90/90 आपका कट गया, 90/100 कट गया, अब ये 30 × 30 30 × 90 हो गया, यानी कि ए बराबर आ गया 1 और बी बराबर 3 आ गया, रख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 इसमें रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, का मतलब गुणा कितना प्रतिशत, जड़ प्रतिशत है, बटे में 100 हो गया, ये इधर गया 300 आ गया, यानी कि 300% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने इधर उधर बताया आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्या देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, डायरेक्ट देखिए कैसे होगा, देखिए ये इधर भी 100 लिखा, 100 लिखा, हम जानते हैं नीचे नीचे है तो ये आपसे कट जाएगा, जब कट जाएगा तो हटा दीजिए, ये हट गया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 30 × 31 30 × 90, यानी कि ए के बराबर 1 लिखा है, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो गई, अब भी बराबर 3 लिखा, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए दौड़ा नहीं रहे हैं, जिस दिन सीख जाइएगा उस दिन ऐसा दौड़ाएंगे ना कि आपको कोई पा नहीं पाएगा, ठीक है, अभी आपको सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए बस, ठीक है, वरना दौड़ना तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, दौड़ाना तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला कह रहा है कि ए प्लस बी का 20%, यानी कि ए प्लस बी का 20%, ठीक है, ए प्लस बी का 20% बराबर, ठीक है, बी का 50%, ठीक है, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का 50%, ये कह रहा है। अब फिर कह रहा है 2 ए माइनस बी बटे 2a प्लस बी, इसका मान निकालना है, तब कैसे निकाले, a और b की वैल्यू जैसे पिछले हमने निकाला था वैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है, अब बटे में 100 हो जाएगा, यहाँ भी बटे में 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि प्रतिशत हट गया। अब क्या करेंगे, ये 0 0 भी कट जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में पिछले उसमें देखा था हमने 0 0 हट गया था, क्योंकि 20 अभी नीचे जाएगा, तो अगर यहाँ पर भी 20 जाएगा ऐसे तो भी 0 0 कट जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं पे रख के काट दें, ठीक है, इसको नीचे ले जाएं, तो काटने से क्या बढ़िया ऊपर ही काट दें। अब क्या है, अब यहाँ का मतलब हो जाता है गुणा,
ये गुणा, अब दो का अंदर गुणा कर दें, दो ए हो जाएगा प्लस दो बी हो जाएगा बराबर 5 ए हो जाएगा माइनस 5 बी हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ए के पास जाएगा, ए वाला ए में जुड़ेगा जाकर, तो दो में से 5 में से 2 गया, 3 ए आ गया, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 5 2 7 बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी कि ए बराबर आ गया 7, ए बराबर 7 और बी बराबर 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया, ए बराबर 7 है और बी की वैल्यू 3 है, बराबर ही तो है, तब ए की वैल्यू 7 है। या ऐसे भी कर सकते हो, बी नीचे फेंक दो, ए बटा बी हो गया और बी नीचे चला गया और 7 लिखिए और 3 नीचे फेंक दीजिए तो 3 हो गया, ए बराबर 7 और बी बराबर 3, यही तो यहाँ भी दिख रहा है, ए बराबर 7 और बी बराबर 3। ठीक है, तो ए बराबर 7 रख दीजिए, 2 × 7 माइनस का 3 और 2 × 7 प्लस का 3, 7 × 14 में से 3 गए 11, 7 × 14 में 3 जोड़ दिया 17, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा है। ठीक है, यानी कि ए हो गया और सी हो गया, दो लोग हो गए, ए सी से 50%, अगर सी को 100 मान लो तो ये 50% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ए जो है सी से 50% ज़्यादा है, 50 ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा, हमने कहा था ना ज़्यादा होगा जुड़ जाएगा, यही जोड़ बताया था कि ए बी सी से 50% ज़्यादा है, यानी कि 100 में 50% ज़्यादा हो गया। फिर क्या कह रहा, और बी सी से 25% बड़ा हो, यानी कि बी हो जाता है सी हो जाता है, सी अगर 100 हो जाता है तो बी जो है 25% ज़्यादा हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए जो है बी से कितना बड़ा है, बड़ा है ये पूछा गया है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे सी कितना है 100 है, यहाँ पे सी कितना है 100 है, जब सी 100 है तो इसका मतलब है ए है बी है और सी है, क्या अनुपात आ गया, क्या ए की वैल्यू हो गई 150। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 150, बी की वैल्यू कितनी हो गई 125 हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक है, सी की वैल्यू 100 हो गई, क्योंकि दोनों जगह 100 है यानी कि 100 हो गई। अब क्या कह रहा है कि ए बी से कितना बड़ा है, तो ए बी से कितना बड़ा है भाई, 25 बड़ा है, 150 में से 125 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि 25 बड़ा है, और 25 बड़ा होने के बाद से वाली चीज़ नीचे लिखी जाती है, हमेशा से वाली चीज़ नीचे ही रहेगी, तो से वाली चीज़ नीचे रहेगी, यानी कि से क्या बी है, बी यानी कि 125 हो गया इंटू में 100 हो गया, 25 × 5 × 10 यानी कि 20% बड़ा हो जाएगा, कितना 20% बड़ा है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ए लिखिए, ए कितना है जो है, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, यानी कि 25 बड़ा है, कौन सा, बी से, बी का मतलब क्या हो गया 125 हो गया, वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बड़ा और छोटा वाला हिसाब किताब हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा, दो क्वेश्चन और बचे हैं, सीता की आय गीता से 10% कम है, तो गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है, तब देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, गीता सीता की आय गीता से 10% कम है, एक हो गई सीता जी, एक हो गई गीता जी, एक हो गई गीता जी। ठीक है, तब क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीता की आय गीता से 10% कम है, किसकी कम है, सीता की कम है, सीता की कम है, तो गीता की कितनी है, मान लेंगे 100 है। ठीक है, तो सीता की कितनी हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी, यानी कि 90 है बचेगी भाई, 10% कम हो जाएगी, सीता गीता की आय सीता से जो है 10% कम है, सीता की आय गीता से 10% कम है, बिल्कुल कम हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, गीता की आय सीता से कितनी अधिक है, गीता की आय सीता से कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये आपसे पूछा गया है, गीता की आय सीता से कितना अधिक है, तब देखिए क्या करेंगे,
देखिए गीता की आय कितना अधिक है, कितना आपको अधिक कितना लग रही है, 10 अधिक लग रही है, 10 अधिक लग रही ना। हमने अभी बताया से वाली चीज नीचे रख दीजिए, से वाली चीज नीचे, तो गीता कहाँ, सीता, सीता नीचे, सीता नीचे चली जाएगी, इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये 0 0 कट गया, 100/9 आ गया, 100/9 आ गया। अगर भाग देंगे 11 1/9, ठीक है, 9 11 99, 100, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा क्या कह रहा, गीता सीता की आय गीता से 10% कम है, तो गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है, क्योंकि गीता की अधिक है, और कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम देख रहे हैं 10 अधिक है, किसकी नीचे रखनी है, सीता वाली रखनी, इंटू में 100 हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा। बच्चे क्या है, सूत्र रटते रटते परेशान हो जाते, क्या अगर ये कम कह रहा, 10% कम कह रहा है ना, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, अधिकता, अधिक बराबर क्या, कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू में 100, ठीक है, कमी कितनी 10%, 100 में से कितना जाएगा, 10 जाएगा, कितना बचेगा, 90 इंटू में 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, ये 100/90 वही आ जाएगा जो हमारा आया था, क्या जो हमारा आया था वही आ गया। लेकिन हमें सूत्र रटने की जरूरत नहीं होती है, नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, से के अधिक कम, तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो सूत्र रटते रहते हैं, सूत्र रटेंगे भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे, आप ना सूत्र रटिए ना कुछ, केवल ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको बहुत गजब का आ जाएगा। ठीक है, बहुत गजब का आ जाएगा। अगला है, कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, एक हो गए राम जी एक हो गए श्याम जी, क्या कह रहा है, किसकी अधिक है, राम की आय 20% अधिक है, तो राम की ज्यादा है ना, अगर इनकी 100 हो जाएगी तो उनकी 120 हो जाएगी, भाई 20% अधिक कह रहा है, हमने बताया था जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो श्याम की आय जितनी है राम की 120% कह रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी कि राम की आय अधिक है, बाकी को समझिएगा, राम की अधिक है, तब फिर क्या लैंग्वेज कह रहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। ठीक है, तो श्याम की आय राम से कितना अधिक है, तो आपको से वाली चीज देखनी है, कितना अधिक है, भाई 20 रुपया अधिक है, किससे, राम से, राम वाली चीज नीचे रखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे, ये 6 चला जाएगा, ये आ जाएगा 100/6, यानी कि 50/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बच्चे क्या अधिक है, ठीक है, सूत्र लगा देते हैं, कमी बराबर अधिक बटे 100 प्लस अधिक, अधिक इंटू 100, ठीक है, तो अधिक कितना हो जाएगा, 20, कितना 100 प्लस 120 इंटू में 100, सूत्र लगा के काम चलाते हैं, लेकिन आपका काम बिना सूत्र लगाए ही चलेगा। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इस चीज़ को समझ लीजिए, अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। 10% 20% एक पुस्तक की कीमत को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% को बढ़ाया गया, तो उसमें कुल कितनी बढ़ोतरी हो गई, मान लीजिए पुस्तक की कीमत कितनी थी, 100, समझ में आ गई, 100 कीमत थी, हर हमेशा 100 ही मानेंगे, 100 कीमत थी, तो पहले 10% बढ़ गई, तो ये बताइए 10% बढ़ी तो कितनी बढ़ जाएगी, 10% बढ़ गई तो कितनी बढ़ जाएगी, 10% बढ़ गई तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, 110 रुपये की वो वस्तु हो जाएगी, भाई पहले 100 रुपये की थी, 10% बढ़ गया तो कितने की अब बिकने लगेगी, 110 की बिकने लगेगी, फिर क्या हुआ, 110 में फिर कह रहा है कि फिर 20% बढ़ गया, तो लो जी हमने भी बढ़ा दिया 20%, बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा नई वैल्यू, के नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगा, प्रतिशत लगाएंगे बटे 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 काट दिया, ये कितना हो गया, 11 12, 12 1 9 12, 12 1 9 12 13, 132 रुपया हो गया। तो शुरुआत से कुल कितना वृद्धि हो गई, भाई शुरुआत में थी 100, 100 से हो गए 132, कितने प्रतिशत, 20% की आपकी वृद्धि हो गई। इस चीज को समझिए आप, ठीक है, जो हम समझाना चाह रहे हैं समझिए, सूत्र तो ये भी होता है क्या, x + y + xy / 100, ठीक है, ये वृद्धि हो रही है, हीरो फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन कुछ समझा रहे हैं ना, समझेंगे तो दिमाग का विकास हो गया, सूत्र में रख दीजिए 10 + 20 + 10 / 20 / 100, 0 0 कट गया,
10 एक 20 ये 33 हो गया, प्लस का 2 यानी कि 32% आपका आंसर आ गया, सूत्र से आ गया। मान लो कहीं सूत्र भूल जाते हो या एग्जामिनर ने बना के अपने आप से क्वेश्चन दे दिया, सूत्र पे आपका क्वेश्चन ना आया, बना के दे दिया, तब आप क्या करोगे? तब तो आप छोड़ के चले आओगे, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है ना। तो इतना आप जो है हो गया, तो इतना प्रतिशत में हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो इसके बाद जो है, इसके बाद के जो क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद कठिन कठिन क्वेश्चन है प्रतिशत के, वो आपको स्टैंडर्ड वाली मैथ में मिल जाएंगे। किसमें? स्टैंडर्ड वाली मैथ में मिलेंगे प्रतिशत के, जो है स्टैंडर्ड वाली मैथ में आपको क्वेश्चन ये सारे इसके आगे के मिलेंगे, ठीक है, जो टफ लेवल हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको अगर आ गया है अच्छे तरीके से, तब आप उनको देखिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।